हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग का, जो संडे टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज का है। सलमान गेट्स बेल, सलमान को जमानत मिली इन पोचिंग केस, अवैध शिकार के मामले में रिलीज फ्रॉम प्रिजन और जेल से रिहा कर दिया गया। फ्रेंड्स, इसमें जो गेट्स बेल लिखा हुआ है ये प्रिजन इंडेफिनिट टेंस है, इसके मीनिंग हमें पास इंडेफिनिट टेंस में निकालना है। और देखा है रिलीज फ्रॉम प्रिजन, जेल से रिहा कर दिया गया, ये पासिव इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वाइज है। इसको रिहा किया गया सलमान को, सलमान के बाद वर्ब्स लगाना था ग्रामेटिकली, लेकिन हैंडे के लिखने में शॉर्ट कर दिया है तो ओमिशन हो जाता है। सर फ्रेंड्स, आगे देखें आप, जी लिखा है एक्टर्स नीड कोर्ट नोट टू ट्रेवल अबॉर्ड। विदेश जाने के लिए सलमान खान को कोर्ट की सहमति जरूरी। अब फ्रेंड्स, आप आगे देखें, लिखा है 48 आवर्स आफ्टर ए ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड फिल्म स्टार सलमान खान फॉर कोचिंग टू ब्लैक बक्स इन 1998 एंड सेंटेंस हिम टू 5 years इम्प्रिजनमेंट। 48 hours 48 घंटे आफ्टर ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड फिल्म स्टार सलमान खान फिल्म स्टार सलमान खान को दोषी ठहराने के 48 घंटे बाद, और फॉर पोचिंग टू ब्लैक बक्स, दो काली हिरणों के शिकार करने के मामले इन 1998 में, एंड सेंटेंस हिम टू 5 years इम्प्रिजनमेंट, और 5 साल की सज़ा देने के बाद, मैं इतना काम होने के बाद, उसके 48 घंटे के बाद एन अपर कोर्ट ने ऑन सैटरडे को सस्पेंडेड द सेंटेंस, सज़ा को निलंबित कर दिया, सज़ा पर रोक लगा दी, रिलीज हिम ऑन बेल, और उसे जमानत पर रिहा कर दिया। आगे देखिए फ्रेंड, द कोर्ट डायरेक्टेड सलमान टू लीव द कंट्री विदाउट इट्स परमिशन। द कोर्ट डायरेक्टेड सलमान नॉट टू लीव द कंट्री, कोर्ट ने निर्देश दिए सलमान खान को नॉट टू लीव द कंट्री, देश ना छोड़ने के लिए, विदाउट इट परमिशन, मतलब उनकी परमिशन के बिना, कोर्ट की परमिशन के बिना, मतलब सलमान खान को जब भी बाहर जाना तो कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। एंड और कहा सबमिट जमा करने के लिए अ पर्सनल बॉन्ड ऑफ राशि 50,000, मतलब 50,000 का निजी मुचलका, और टू श्योरिटीज ऑफ राशि 25 ईच फॉर द बेल, मतलब दो गवाहों की 25,000 के मुचलके, और सलमान खान के निजी मुचलके को जमा करने के लिए, कितने 50,000 के फॉर द बेल जमानत के लिए। जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट विच सस्पेंडेड द सेंटेंस, इसने सजा को निलंबित किया, विल नाउ हियर, वो सुनेगी द 50 years old एक्ट्रेस अपील, 52 साल के एक्टर की अपील को, अगेंस्ट द कन्विक्शन जो उस पर कन्विक्शन लगाया गया है, सात मई को सलमान विल हैव टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। और क्या कहा कोर्ट ने, सलमान को हाजिर रहना होगा इन द कोर्ट कोर्ट में ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान ऑन द अपील की सुनवाई के दौरान और विल हैव टू मूव एन एप्लीकेशन, और उन्हें एक एप्लीकेशन दायर करनी होगी सीकिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, अगर व्यक्तिगत रूप से अनुपस्थित रहना चाहते हैं तभी तो उनको एक एप्लीकेशन पेश करनी होगी। सलमान लॉयर्स हैड शॉर्ट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑन द ग्राउंड, सलमान लॉयर्स हैड शॉर्ट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस
सलमान के वकीलों ने सजा के निलंबन की मांग की थी ऑन द ग्राउंड, उस ग्राउंड पर दैट, किस ग्राउंड पर, कॉरोबरेटिव एविडेंस, संपोषक साक्ष्य के आधार पर, दैट कॉरोबरेटिव एविडेंस संपोषक साक्ष्य के आधार पर रिलाइड अपॉन बाय द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट द्वारा जिस पर विश्वास किया गया था हैव बीन ऑलरेडी रिजेक्टेड, वो तो पहले ही से रद्द कर दिया जा चुका था, रिजेक्ट कर दिया जा चुके थे बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा इन 2016 में। आल्सो ड्यूरिंग द 20 ईयर्स लॉन्ग ट्रायल, वो बताना चाह रहे हैं कि 20 साल के लंबे ट्रायल के दौरान सलमान हैड नेवर वायलेटेड, सलमान ने कभी भी नहीं तोड़ा एनी बेल कंडीशन, जो बेल की कंडीशन है शर्तें जमानत की, उससे कभी उसने उसके खिलाफ गया नहीं, उसे तोड़ा ही नहीं। ऑन विच ही वॉज रिलीज्ड, ऑन विच, जिस पर उसे छोड़ा गया, आफ्टर एवरी अरेस्ट, हर गिरफ्तारी के बाद, द एक्टर वॉज अरेस्टेड, एक्टर को गिरफ्तार किया गया एंड रिलीज्ड 3 times, और 3 बार छोड़ा गया इन द पास्ट, पहले, इन कनेक्शन विथ के संबंध में, इन कनेक्शन विथ द 3 poaching cases ऑफ 1998 के 3 शिकार के मामलों में, उसे 3 बार अरेस्ट किया गया, 3 बार उसे छोड़ा गया, लेकिन उसने कभी भी जमानत, जो बेल का कानून है उसके खिलाफ उसने कोई कार्रवाई नहीं की, उसने कभी नहीं तोड़ा। इस आधार पर सलमान के वकीलों ने जमानत की अर्जी की बाय कोर्ट में और उन्हें जमानत मिली। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो था, अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए।